career in government जासूसी requires an appropriate level of violence. बहादुरी पाकिस्तानी कमांडो की एक ऐसी दास्तान जो दुश्मन के घर में घुसकर अपने वतन के खिलाफ होने वाली साजिशों को नाकाम बनाता रहा. गाजी इस सवाल का जवाब हासिल करने के लिए मैंने अपने एक खास आदमी की ड्यूटी लगा दी है जो मिलिट्री हेडक्वार्टर के अंदर आता जाता रहता है. इसके बारे में आपको कल तक ही कुछ बता सकूंगा. मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आलमगीर का वो खास आदमी फौजी हेडक्वार्टर में किस काम पर मुतय्यन था. जाहिर है वो मुसलमान तामिल था और सिर्फ इस्लाम की सरबुलंदी और कश्मीरी मुसलमानों की जंग आज़ादी के लिए आलमगीर के साथ अपने अलग महाद में मसरूफ अमल था. आलमगीर हमारे पास थोड़ी देर बैठकर चला गया. हमने बड़ी कशमकश के आलम में वो सारा दिन और रात गुजारी. कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मरहटा कर्नल एक मासूम कश्मीरी लड़की से किस किस्म का इंतकाम ले रहा है और उसने उसे कहाँ रुपोश किया हुआ है. रात को किसी वक्त हल्की सी बारिश भी हुई. सुबह उठे तो दरख्त घास और झाड़ियाँ रात की बारिश की वजह से गीली थी. आलमगीर के मजदूर कुछ फासले पर दरख्तों के नीचे काम कर रहे थे. हम आलमगीर का सारा दिन इंतज़ार करते रहे. हमने उसे टेलीफोन भी ना किया क्योंकि उसने हमें हिदायत की थी कि नूरबानों के सिलसिले में हर गिरफोन पर कोई बात ना की जाए. जब जंगल के माहौल पर शाम का धुंधला अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा था तो आलमगीर की जीप की आवाज़ सुनाई दी. हम बरामदे में आ गए. आलमगीर ने जीप अपनी खास जगह पर खड़ी की और हमारे पास बरामदे में आकर कुर्सी पर बैठ गया और कहने लगा, एक अजीब बात सुनने में आई है. खैरियत तो है आलमगीर भाई, शेरबाज ने तशवीश भरे लहजे में पूछा. मैं भी आलमगीर को तकने लगा कि देखें अब क्या इंकशाफ होता है. आलमगीर ने मुहतात नज़रों से आसपास का जायजा लिया और हमारी तरफ झुक कर कहने लगा, नूरबानों को कर्नल वडीकर ने मौत के मुंह में धकेल दिया है. क्या? शेरबाज चौंक कर बोला. क्या नूरबानों को हलाक कर दिया गया है? आलमगीर ने जवाब दिया, अगर उसे फौजी हेडक्वार्टर के ग्राउंड में ही गोली मारकर हलाक कर दिया जाता तो ज़्यादा अच्छा था, मगर उस तंग नज़र मुतअस्सब और मुसलमानों के दुश्मन मरहटे कर्नल ने उसे आदमखोर जंगली दरिंदों के हवाले कर दिया है. शेरबाज ने इस तराब के आलम में कहा, आलमगीर भाई साफ साफ बताओ बात क्या है, खुदा के लिए पहेलियाँ ना बुझवाओ. आलमगीर ने कहा, यहाँ से जंगल के जुनूब में कोई 60-70 किलोमीटर के फासले पर दरियाए करखियन के पार एक बड़ा खतरनाक घना जंगल है जिसके बारे में मशहूर है कि वहाँ कोई आदमखोर जंगली कबीला रहता है. कई बार ऐसा हुआ है कि कोई आदमी या देहाती औरत गलती से उस जंगल में गई और फिर उसे दोबारा नहीं देखा गया. लोग बल्कि शिकारी लोग भी असलाह के साथ भी उस जंगल में जाने से डरते हैं. उस कबीले के लोगों को विशगिनदारी कहते हैं. ये लोग जंगल ही में रहते हैं और वहीं जंगली बिल्लियों का शिकार करके खाते हैं. उनका एक देवता है जिसकी वो पूजा करते हैं. उस देवता का नाम जैसा कि मैंने सुन रखा है विशगंधा है. उस जंगली कबीले के बारे में एक रिवायत मशहूर है कि जब राजा रामचंद्र जी ने अपनी पत्नी को रावण की कैद से रिहा कराने के लिए लंका पर हमला किया था और लंका को आग लगा दी थी तो ये लोग वहाँ से भागकर उस जंगल में आकर छुप गए थे. तब से उसकी नस्ल उसी जंगल में चली आ रही है. ये बड़े पुरइसरार जंगली लोग हैं. उनकी ज़ुबान किसी की समझ में नहीं आती. उनके मर्द कभी किसी शहर में नहीं देखे गए. शेरबाज ने बेचैनी से पूछा, प्लीज़ जल्दी से ये बताओ कि नूरबानो है कहाँ? आलमगीर कहने लगा, मैं उसी मौजू की तरफ आ रहा हूँ. जंगली कबीला अपने देवता वशगंधा की पूजा का हर 6 माह के बाद एक जश्न मनाता है. उस जश्न में बैर से लाई हुई कोई जवान औरत या जवान मर्द देवता पर कुर्बान किया जाता है. हमें जो रिपोर्ट मिली है उसके मुताबिक उस जंगली कबीले की पूजा के जश्न में सिर्फ 15 दिन बाकी रह गए हैं और कर्नल वडीकर ने महज अपनी बीवी पर हमले का कश्मीरी हुर्रियत पसंदों से बदला लेने की खातिर नूरबानों को किसी जरिए से उन जंगली लोगों के हवाले कर दिया है जो उसे अपने देवता वशगंधा पर कुर्बान करने की तैयारियां कर रहे हैं. शेरबाज कहने लगा, हम नूरबानों को उन जंगलियों की कैद से आज ही छुड़ा लाएंगे. हम तरबियत याफ्ता इंडियन आर्मी का मुकाबला करने आए हैं. ये जंगली हमारे सामने कोई हैसियत नहीं रखते. आप हमें सिर्फ इतना बता दें कि यहाँ से उस जंगली कबीले के ठिकाने को कौन सा रास्ता जाता है. आलमगीर के चेहरे पर कोई तासुर नहीं था. वो इस तरह शेरबाज को देख रहा था जैसे उसे पहली बार देख रहा हो. जब शेरबाज ने इसरार किया कि हमें वैसी जंगली लोगों के ठिकाने का पता बताया जाए तो आलमगीर कहने लगा, शेरबाज भाई तुम अपनी जगह पर बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हो. तुम हुर्रियत पसंदों की बहादुरी और दिलेरी में किसी को भी कोई शक नहीं है. तुम महदूद वसाइल के साथ भारत की ट्रेंड और जदीद असलाह से लैस फौज का डटकर मुकाबला कर रहे हो. लेकिन मेरे भाई इस जंगली कबीले के बारे में तुम कुछ नहीं जानते. हम तक इन लोगों के बारे में जो कहानियाँ पहुँची हैं उनके मुताबिक जंगल में जिस मुकाम पर उन लोगों के झोंपड़े हैं और देवता वशगंधा का छोटा सा मंदिर है वहाँ तक किसी इंसान का पहुँचना नामुमकिन है. वो दुश्वार गुजार घने जंगल के ऐन दरमियान में रहते हैं. उनके इर्द गिर्द दलदलें और जंगली तालाब हैं जिनमें आदमखोर मगरमच्छ हर वक्त मौजूद रहते हैं
और किसी जानवर या इंसान की जरा सी आहट पाकर लपकते हैं और आन की आन में उसे अपने नुकेले दांतों वाले जबड़े में दबोचकर उसकी तिक्का बोटी कर देते हैं। दलदलें घास में छुपी हुई हैं। आदमी जमीन समझकर आगे बढ़ता है और उसका पांव दलदल में धंस जाता है। बस दलदल के लिए आदमी की इतनी गलती ही काफी होती है। वो आदमी के पांव को अंदर खींचना शुरू कर देती है। आदमी जितना बाहर निकलने को जोर लगाता है उतना ही वो दलदल में धंसता चला जाता है। कहते हैं उस वक्त दलदल के अंदर से खरखराहट की आवाजें निकलती हैं, जैसे वो आदमी को निकलते वक्त खुश हो रही हो। देखते देखते आदमी दलदल में डूब जाता है। दलदल बदकिस्मत आदमी का जिस्म हड्डियों समेत खा जाती है। ये भी मालूम हुआ है कि उन जंगली लोगों के पास माचिस की तीलियों के साइज के जहरीले तीर होते हैं, जिन्हें वो एक नलकी में डालकर फूंक मारकर अपने दुश्मन पर चलाते हैं। जहरीले सांपों के जहर में बुझा हुआ तीर आदमी के जिस्म में चुभता है तो जहर आनन फानन आदमी के खून में दाखिल होकर उसे हलाक कर डालता है। जंगल में से गुजरते हुए कुछ पता नहीं होता कि ये जंगली लोग किस दरख्त के पीछे, दरख्त के ऊपर या झाड़ियों में छुपे हुए हैं। वो उनके जंगल में आने वाले आदमी का दूर तक पीछा करते हैं और उसे अंदर तक आने देते हैं। इसके बाद उस आदमी का कोई सुराग नहीं मिलता। शेरबाद पर आलमगीर की दहशत ज़्यादा कर देने वाली गुफ्तगू का कोई असर नहीं हुआ था। उसने अपनी बात दोहराते हुए कहा, मेरे भाई मुझे सिर्फ उन जंगली कबीले वालों के गांव तक पहुंचने का रास्ता बता दो और हमें थोड़ा बहुत ज़रूरी असलहा भी ला दो, इसके बाद हम जाने और हमारा काम। आलमगीर हमें किसी कदर तअज्जुब से देख रहा था और कहने लगा, एक बार फिर गौर कर लो, मैं तुम्हें उन जंगली लोगों के दरमियान जाने का मशवरा नहीं दूंगा, क्योंकि मैं साफ बात कहूंगा, मुझे यकीन है कि तुम लोग वहां से ज़िंदा वापस नहीं आओगे। शेरबाज इस मिशन का भी लीडर था, चुनाचे मैं उसे मौका दे रहा था कि वो खुद आलमगीर से सारी बात तय कर ले। शेरबाज कहने लगा, जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, तुम हम पर सिर्फ ये मेहरबानी करो कि हमें थोड़ा बहुत असलहा ला दो और कोई आदमी हमारे साथ कर दो जो उन जंगलों से वाकिफ हो और हमें वशगंदारी जंगली कबीले के जंगल तक पहुंचा दे। हमें सिर्फ उस जगह तक ही पहुंचा दे जहां से जंगली कबीले वालों के जंगल की सरहद शुरू होती है। आलमगीर बोला, ठीक है, अगर आप लोगों ने फैसला कर लिया है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं तुम्हारे लिए असलहा भी मुहैया कर दूंगा और एक गाइड भी साथ रवाना कर दूंगा जो तुम्हें वैश्य कबीले के जंगल की सरहद तक छोड़ आएगा। बताओ तुम्हें किस किस्म का असलहा चाहिए? शेरबाज खान ने उसे बताया कि हमें दो ऑटोमेटिक शॉटगनों की भी ज़रूरत होगी, जिनके आगे साइलेंसर की नालियाँ लगी हुई हों। इसके अलावा शेरबाज ने एक एक कमांडो चाकू और कुछ दस्ती बम्बों की फरमाइश की तो आलमगीर कहने लगा, ये सब चीज़ें तुम्हें मिल जाएंगी, मगर एक बात की मैं तुम्हें सख्ती से हिदायत करूंगा कि गिंदारी कबीले के लोगों के जंगल में पहुंचने के बाद तो दस्ती बम या शॉटगनों का धमाका मत करना। उस धमाके की आवाज़ जंगली लोगों को फौरन बता देगी कि तुम जंगल में किस मुकाम पर हो। इसके बाद वो जंगल में फैलकर तुम्हारी तलाश शुरू कर देंगे और यकीन करो कि फिर तुम उनके जहरीले तीरों की जद से ना बच सकोगे। वो बंद हवा में भी गैर इंसान की बू सूंघ लेते हैं। शेरबाज ने कहा, तुम अतमीनान रखो, हम इस किस्म के धमाके से गुरेज करेंगे। आलमगीर ने पूछा, तुम लोग कब इस मुहिम पर रवाना होना चाहते हो? शेरबाज ने कहा, अगर हमें कल सुबह तक गाइड मिल जाए तो हम कल ही रवाना हो जाएंगे। आलमगीर बोला, ठीक है, मैं सुबह गाइड को साथ ही लेकर आऊँगा, तुम तैयार रहना। ये इस किस्म का कमांड ऑपरेशन था जिसका मुझे तो पहले से तजर्बा था, मगर शेरबाज खान के लिए ये एक बिल्कुल अजनबी और अनजानी मुहिम थी। उसको ना तो उन जंगलों का कुछ पता था और ना कभी वो उन जंगलों में आया ही था। वैसे उसकी दिलेरी और बहादुरी के जज्बे पर शक नहीं किया जा सकता था, लेकिन एक कमांडो के लिए ज़रूरी होता है कि बहादुरी के जज्बे के साथ साथ उसे उस इलाके के मौसमी और जुग्राफियाई हालात का भी पूरा पूरा इल्म और तजर्बा हो। यहाँ उसे कमांडो ऑपरेशन के लिए भेजा जा रहा है। मैं इसलिए भी मुतमिन था कि जहाँ ज़रूरत पड़ी वहाँ मैं शेरबाज की रहनुमाई करूँगा। दूसरे रोज़ आलमगीर एक दुबले पतले काले रंग के अधेड़ उम्र आदमी को साथ लेकर आ गया और कहने लगा, ये मुसलमान है और दक्कन का रहने वाला है। ये उन जंगलों में अंग्रेज शिकारियों का गाइड रह चुका है। ये गिंदारी जंगली कबीले में तो कभी नहीं गया, मगर इसे मालूम है कि उस कबीले की जंगली सरहद कहाँ से शुरू होती है। ये तुम्हें वहाँ तक पहुँचा कर वापस आ जाएगा। इसके बाद आलमगीर चमड़े का एक थैला जीप में से निकाल कर लाया और हमें रेस्ट हाउस के ड्राइंग रूम में अपने साथ ले जाकर बोला, इस थैले में तुम्हारा मतलूबा असलहा है, चेक कर लो। हमने थैला खोल कर देखा, उसमें दो पुरानी किस्म की शॉटगनें थीं जिनकी नालियों के आगे साइलेंसर की नालियाँ चढ़ी हुई थीं। 12 हैंड ग्रेनेड थे, दो बड़े कमांडो चाकू थे और टीन के बड़े डब्बे में नमकीन और मीठे बिस्कुट भरे हुए थे। आलमगीर कहने लगा, गाइड तुम्हें जंगल के ऐसे इलाके में से लेकर जाएगा जहाँ रास्ते में तुम्हें कहीं कहीं पानी और जंगली बेरों और जंगली केलों के दरख्त मिल जाएंगे। तुम उन्हें खाकर गुजारा कर लेना, लेकिन इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि जब तुम वैशी कबीले के खतरनाक जंगल में दाखिल होगे तो वहाँ तुम्हें कुछ खाने पीने को मिलेगा या नहीं। ये बिस्किट तुम उस वक्त के लिए बचा कर रखना, ये थर्मास है, इसमें मैंने चाय बनाकर भर दी है, यहाँ ज़रूरत पड़े पी लेना। लेकिन जब गिंदारी वैशी कबीले के जंगल में दाखिल होने लगो तो इस थर्मास को खाली करके इसमें किसी नदी नाले से पानी भर लेना, ये तुम्हें वहाँ काम आएगा।
उस वक्त अभी दिन चढ़ा ही था कि उस्मान बाबा ने हमारे लिए पराठों का नाश्ता बनाया। हम सब ने मिलकर नाश्ता किया और कॉफ़ी पी। उस्मान बाबा ने 6-7 मीठे पराठे एक रुमाल में बांधकर हमारे थैले में थर्मास के साथ ही रख दिए। आसमान पर उस वक्त भी बादल छाए हुए थे। ये बादल 2 रोज से छाए हुए थे। हल्की सी बारिश सिर्फ रात को हुई थी। उस वक्त बारिश रुकी हुई थी। आलमगीर ने आसमान की तरफ देख कर कहा, ये बादल बारिश वाले नहीं हैं, सफ़र लंबा है, मगर गाइड तुम्हें ऐसे रास्ते से ले जाएगा कि तुम दिन में 2-4 घंटे भी चलते रहे तो कल रात तक अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। हमने आलमगीर को खुदा हाफिज कहा और तामिल मुसलमान गाइड के साथ रेस्ट हाउस से निकलकर आंध्र प्रदेश के घने जंगलों की तरफ चल पड़े। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, जंगल घना होता जा रहा था। गाइड हमें ऐसे रास्ते से लेकर जा रहा था जो जंगल में से नहीं बल्कि जंगल के किनारे किनारे से होकर जाता था, और ये रास्ता बकौल उसके जंगली दरिंदों और ख़तरनाक दलदलों से महफूज भी था। हम दोपहर तक आहिस्ता आहिस्ता चलते गए। दोपहर के बाद एक छोटी सी पहाड़ी नदी आ गई। यह बांस और महागनी के दरख्तों के दरमियान से होकर गुजरती थी। यहाँ बैठकर हमने कुछ खाना खाया, नदी का पानी पिया, थोड़ी सी चाय थर्मास में से निकाल कर पी, कुछ देर आराम किया और फिर अपने सफ़र पर रवाना हो गए। कमांडो चाकू तो हमने अपने पास रख लिए थे। काट गन्ने कंधों से लटका रखी थी। हैंड ग्रेनेड थैले में ही पड़े थे। चलते चलते घना जंगल ख़त्म हो गया। सामने खाली मैदान था जो पथरीला था। उसके आगे ऊंची पहाड़ियां नज़र आ रही थी। गाइड ने उन पहाड़ियों की तरफ इशारा करके हमें बताया कि गिंदारी जंगली कौम का गांव उन पहाड़ियों के दूसरी तरफ वाले जंगल में है। ये पहाड़ियां काफ़ी फासले पर थीं। हम एक कच्चे रास्ते पर आहिस्ता आहिस्ता चले जा रहे थे। वहाँ की ज़मीन सुर्खी माइल थी। कहीं कहीं रास्ते में 2-4 झोंपड़ियाँ नज़र आ जाती जिनके बाहर नंग धड़ंग बच्चे खेल रहे होते थे। हम उनसे दूर रहकर आगे गुजर जाते। सूरज गरूब हो रहा था जब हम दूर से नज़र आने वाली पहाड़ियों के दामन में आ गए। हमारे गाइड ने कहा, अब हम विश्किंदारियों के जंगल वाली पहाड़ियों में दाखिल होने वाले हैं। जब तक सूरज गरूब नहीं हो गया हम चलते रहे। सूरज के गरूब होते ही पहाड़ी टीलों और घाटियों में शाम के साए उतर आए। हमारा गाइड एक जगह रुककर बिल्कुल साकित हो गया। वो जैसे फिजा में कुछ सूंघने की कोशिश कर रहा था। शेरबाज ने पूछा, क्या बात है? उसने हाथ के इशारे से खामोश रहने को कहा। फिर हमें एक तरफ ले गया और कहने लगा, जल्दी से उस दरख्त पर चढ़ जाओ, जल्दी करो। जिस दरख्त की तरफ उसने इशारा किया था उसकी मोटी मोटी टहनियाँ ज़मीन से कुछ 6-7 फुट ऊंची थी। हम एक दूसरे को सहारा देकर दरख्त पर चढ़ गए। गाइड भी हमारे पीछे दरख्त पर चढ़कर साथ वाली टहनी पर बिल्कुल बंदर की तरह बैठ गया। वो झुककर शाम के बढ़ते हुए अंधेरे में नीचे देख रहा था। मैंने उससे कुछ पूछना चाहा तो उसने दबी जुबान में मुझे जिड़ा कर कहा, चुप रहो। ये काली डरावनी शक्ल वाली पहाड़ियों के शुरू का इलाका था। ये कोई इतना घना जंगल नहीं था। फासले फासले पर दरख्त खड़े थे। उनके बीच में कहीं सरकंडों जैसी झाड़ियाँ थीं और कहीं पत्थर ज़मीन से बाहर निकले हुए थे। फिजा बिल्कुल खामोश थी। इससे पहले एक दो दरख्तों पर से परिंदों के बोलने की आवाज़ें आ रही थीं, मगर अब परिंदे भी चुप हो गए थे। चारों तरफ दहशतनाक सन्नाटा था। इतने में किसी जानवर के हाँ हाँ करने की आवाज़ सुनाई दी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं समझ गया कि ये कौन सा जानवर है। शेरबाज मेरे बिल्कुल साथ ही उसी मोटी टहनी पर बैठा था। उसने मेरे कान में सरगोशी की, ये कैसी आवाज़ थी? अपना गाइड साथ वाली टहनी पर अकड़ों बैठा नीचे देख रहा था। उसने खेरबाज की सरगोशी को सुन लिया था। हमारी तरफ देखकर उसने अपने होंठों पर उंगली रखकर हमें खामोश रहने की तलकीन की और नीचे देखने लगा। हाँ हाँ की आवाज़ 2-3 बार बुलंद होकर गायब हो गई। फिर ऐसी आहट सुनाई दी जैसे कोई सरकंडों में चल रहा है। नीचे दरख्तों झाड़ियों और सरकंडों में शाम का अंधेरा गहरा होता जा रहा था। उसने गहरे होते अंधेरे में अचानक एक जर्दधारीदार बहुत बड़ा शेर नमूदार हुआ। ऐसा ज़बरदस्त शेर मैंने सिर्फ एक बार सुंदरबन के जंगलों में देखा था। मैंने दरख्त की टहनी को मजबूती से पकड़ लिया। शेरबाज ने भी शेर को देख लिया था। मुझे नहीं मालूम कि उसकी ज़हनी कैफियत क्या थी, लेकिन इतना मुझे आज भी याद है कि उसने मेरे बाजू को पकड़ लिया था। ऐसे लगता था कि जैसे शेर ने भी हमें देख लिया है या हमारी बू सूंघ ली है। वो बड़ी शान से आहिस्ता आहिस्ता चलता उस दरख्त के पास आ गया जिसकी शाखों में हम छुपे बैठे थे। जहाँ हम बैठे थे वहाँ इतने ज़्यादा पत्ते नहीं थे और हम शेर को नज़र आ गए थे। मैं दिल में सख्त खौफ ज़दा था क्योंकि ज़मीन से उस टहनी का फासला जिस पर हम बैठे थे 7 फुट से ज़्यादा नहीं था, और शेर बड़ी आसानी से जस्त लगाकर हमें नीचे गिरा सकता था। शेर चंद लम्हे खामोशी से हमारी तरफ मुंह उठाकर देखता रहा। उसकी दुम बेचैनी से दाएं बाएं गर्दश कर रही थी। उसके हलक से हल्की हल्की गुराहट निकल रही थी। मेरा बदन खौफ के मारे ठंडा पड़ गया था। शेर ने सर नीचे कर लिया, दाएं बाएं देखा, फिर हमारी तरफ मुंह उठाकर देखा, घुराया, सर नीचे किया और बड़े शहाना अंदाज में हमारे नीचे से होता हुआ आगे निकल गया। वो उस तरफ गया था जिस तरफ से हम आए थे। हम अपने गाइड की अकलमंदी, तजर्बे और महारत पर दिल में उसे दाद दिए बगैर न रह सके। उस शख्स ने फिजा में शेर की बू सूंघ ली थी। अगर वो बू सूंघ कर ऐन वक्त पर हमें खबरदार न करता और दरख्त पर चढ़ने का इशारा न करता तो अब तक हम शेर का निवाला बन चुके होते।
शेर को वहां से गए 1-1.5 मिनट गुजर गया था, मगर हम दोनों पर अभी तक उसका खौफ तारी था। गाइड ने आहिस्ता से कहा, नीचे उतर आओ, शेर वापस नहीं आएगा। हम में से कोई भी इतनी जल्दी नीचे उतरने को तैयार नहीं था। क्या मालूम शेर किसी जगह छुपकर हमारे नीचे उतरने का इंतजार कर रहा हो। गाइड ने नीचे छलांग लगा दी। हम दोनों उस तरफ दरख्त की टहनी पर बैठे रहे। गाइड ने नीचे से आवाज दी, क्या कर रहे हो ऊपर, नीचे आ जाओ। मैंने खेरबाज से कहा, मेरा ख्याल है हमें नीचे उतर जाना चाहिए, और हम बारी बारी नीचे कूद गए। गाइड हमें अपने पीछे आने का इशारा करके शेर की मुखालिफ समत सरकंडों में तेज तेज चलने लगा। हम भी उसके पीछे तेज तेज कदमों से चलने लगे। अंधेरा ज्यादा गहरा हो रहा था। आगे थोड़ी सी खुली जमीन थी, यहाँ दरख्त दो चार ही थे। चट्टानों की सियाह ढलान सायों की तरह नजर आ रही थी। गाइड उन चट्टानों के पास जाकर ठहर गया। हम उसके पास आ गए तो वो कहने लगा, इन चट्टानों के पीछे एक नदी है, हम नदी के पास रात बसर करने का ठिकाना तलाश करेंगे। हम चट्टानों के पीछे घूम कर आए तो नीचे नशेब में दरख्तों का चुरमट था। हम उतर कर उस चुरमट में आ गए। यहाँ एक छोटी सी नदी बह रही थी। खेरबाज खान ने कहा, इस जगह रात को शेर का खतरा होगा, वो वापस आ सकता है। गाइड ने कहा, नहीं, शेर चौकावर के जंगल में शिकार की तलाश में गया है, वो सुबह होने से पहले नहीं आएगा, और फिर हम यहाँ कोई महफूज जगह देखेंगे। हम नदी के किनारे बैठ गए, जूते उतार कर पांव धोए, मुंह हाथ धोया, नदी का ठंडा मीठा पानी पिया। इस दौरान हमारा गाइड ऊपर की तरफ रात बसर करने का ठिकाना ढूंढने चला गया था, और शेरबाज कहने लगा, मैंने चिड़ियाघर के पिंजरे में शेरों को कई बार देखा था, मगर जंगल की आज़ाद फिजाओं में जंगल के बादशाह को पहली बार देखा है। खुदा की कसम, मुझ पर खौफ तारी हो गया था। मैंने कहा, शेर वाकई जंगल का बादशाह है। मैं भी खौफजदा था, लेकिन हैरानी की बात है कि शेर ने हम पर हमला क्यों नहीं किया। इतने में हमारा गाइड आ गया और कहने लगा, ऊपर आ जाओ। थोड़ा ऊपर चढ़ाई चढ़ने के बाद एक बहुत बड़ी सी चट्टान किसी अफरीत की तरह टीले की दीवार से बाहर को निकली हुई थी। उसके नीचे एक छोटा सा कुदरती गार बन गया था, जिसकी लंबाई 10-15 फुट से ज्यादा नहीं थी। हम वहां घुसकर बैठ गए। यहां हमने थैले में से खाना निकाल कर खाया, कॉफी थरमास में से निकाल कर पी। गाइड ने इधर उधर से दरख्तों की टूटी हुई शाखें और मोटे मोटे टहन एक जगह जमा करके उन्हें आग लगा कर अलाव रोशन कर दिया। अलाव हमसे इतनी दूर था कि हम तक उसकी तपश नहीं आ रही थी। गाइड हमारे पास आकर बैठ गया और कहने लगा, इस आग की वजह से रात को कोई जंगली जानवर इस तरफ नहीं आएगा। शेर यहाँ से जा चुका है, वो अगर इस तरफ आया तो रात के पिछले पैर ही यहाँ से गुजर जाएगा। मैंने कहा, उस वक्त तो हम बेसुध होकर सो रहे होंगे, शेर हम पर हमला कर सकता है। अलाव भी बुझ चुका होगा। गाइड ने कहा, अगर शेर ने हम पर हमला करना होता तो उस वक्त ही कर देता जब हम दरख्त की टहनियों पर बैठे हुए थे, और शेर दरख्त के नीचे खड़ा हमें देख रहा था। हम उससे 6-7 फुट ही बुलंद थे, और ये बुलंदी इतने बड़े शेर के आगे कोई हैसियत नहीं रखती। लेकिन शेर ने हम पर हमला नहीं किया, वो इसलिए कि ये शेर आदमखोर नहीं था। जंगल में सिर्फ आदमखोर शेर ही इंसान पर हमला करता है, क्योंकि उसे इंसान का गोश्त खाने की आदत पड़ चुकी होती है। वो इंसान के सिवा और किसी का गोश्त खाना पसंद नहीं करता। ये शेर आदमखोर नहीं था। इसे सिर्फ इस बात पर थोड़ा गुस्सा आया था कि शेर जंगल का बादशाह अपने शिकार की तलाश में निकला हुआ था। जंगल के सारे जानवर खौफ के मारे चुप हो गए थे, फिर हम उसकी राह में क्यों हायल हो गए थे। शेर को कुदरती तौर पर इस बात का एहसास होता है कि इंसान की मौजूदगी हरनों, नील गायों और उसके पसंदीदा दूसरे जानवरों को वहां से भगा देती है, इसलिए वो हम पर घुराकर अपनी नाराजगी का इजहार कर रहा था। बातें करते करते रात गहरी होती गई, जंगल का सन्नाटा और ज्यादा गहरा हो गया, और हर तरफ सुकून तारी था। सिर्फ किसी किसी वक्त अलाव में किसी लकड़ी के चटकने की आवाज आ जाती थी। आहिस्ता आहिस्ता अलाव की आग भी मदम होती गई। अलाव की वजह से वहां से मच्छर भाग गए थे। हम वहीं खो के अंदर इधर उधर पड़कर लेट गए। दिन भर चलते रहे थे, थक गए थे। आंखें बंद की तो गहरी नींद ने अपनी आहोश में ले लिया। जिस वक्त हमारी आंख खुली तो जंगल चिड़ियों और परिंदों की आवाजों से गूंज रहा था। हमारा गाइड वहां नहीं था। खेरबाज भी उठ बैठा था। उसने मुझसे पूछा, ये गाइड कहाँ चला गया है। मैंने कहा, यहीं कहीं होगा। हमने नदी पर जाकर मुंह हाथ धोया, थैले में से पराठे के 2-4 टुकड़े निकाल कर खाए, कॉफी पी और शॉटगन खोलकर उन्हें साफ करने लगे। खेरबाज खान कहने लगा, इन जंगलों में इस किस्म का कमांडो ऑपरेशन मेरी जिंदगी का पहला तजुर्बा है। मैंने कहा, मैं भारत के वस्ती जंगलों में काफी फिरता रहा हूँ, मगर मैं ज्यादातर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के जंगलों में रहा हूँ। इस तरफ मैं पहली बार आया हूँ। खेरबाज शॉटगन पर साइलेंसर की नाली फिट करते हुए बोला, खुदा करे कि जिस लड़की की तलाश में हम यहाँ आए हैं वो हमें मिल जाए, आलमगीर की रिपोर्ट कहीं गलत ना निकल आए। मैंने कहा, मेरा ख्याल है जिस एतमाद से उसने हमें कहा था उससे तो यही जाहिर होता है कि नूरबानो इसी जंगल में वैसी गिंधारी कबीले वालों की कैद में है। खेरबाज शॉटगन की नाली को कपड़े से रगड़ रगड़ कर साफ कर रहा था और कहने लगा, एक बार नूरबानो को कश्मीर पहुँचा दूँ,
फिर मैं इस मरहटे कर्नल वाडेकर को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उसका काम जरूर तमाम कर दूंगा। इतने में गाइड भी आ गया और वो कहने लगा, रात को एक हाथी और फिर एक रीछ इस तरफ आ गया था, मगर आग को देखकर दोनों दरिंदे दूर दूर ही रहे। मैंने दोनों को देखा था, तुम गहरी नींद सोए हुए थे। शेरबाज खान बोला, तुमने मुझे क्यों नहीं जगाया? मैं हाथी का शिकार करना चाहता हूँ, ये मेरी बचपन से ख्वाहिश रही है। गाइड ने फौरन कहा, ऐसी गलती यहाँ मत करना। हम इस वक्त वैशी गिंधारी कबीले वालों के जंगल की सरहद के करीब पहुँच चुके हैं। फायरिंग की आवाज़ सुनकर वो हमारी तलाश में ज़रूर निकल पड़ेंगे। उन्हें अपने देवता विश गिंधारी को इंसानी कुर्बानी करने के लिए इंसानों की ज़रूरत होती है। ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। तो जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए,